हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ इस पर्टिकुलर मूवी का रिव्यू करने में, लेकिन एक चीज़ मैं समझ गया कि यूट्यूब की ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा चूतिया है, क्योंकि वो उन लोगों को फॉलो करती है जिनको वो लोग फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग मेहनत करते जो लोग हार्डवर्क करते उनको वो झाट का आवाज़ समझते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ पर बस उतना ही काम करूँगा जितना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ इतना वादा करता हूँ कि भाई मैं जो करता हूँ ऑनेस्ट कर। अब हम लोग बात करेंगे डायल हंड्रेड जो कि रिलीज हुई है Zee5 ऐप पर। मूवी की ओवर लेंथ 1 आवर 44 मिनट की, और इसमें हमें नजर आते हैं मनोज वाजपेयी, साक्षी तन्वर, नीना गुप्ता। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है सीनियर PI निखिल सूद जो कि मुंबई पुलिस इमरजेंसी कॉल सेंटर में काम करते हैं। अब निखिल की लाइफ में ट्विस्ट तब आ जाता है जब उनको एक लेडी का कॉल आता है जो कि सुसाइड करना चाहती है। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये मूवी एक थ्रिलर मूवी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इमोशनल रिवेंज ड्रामा है। दैट्स इट। मूवी में कुछ चीजें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको अगर उनके पेरेंट्स चिल्ला दे या चमाट मार दे तो वो लोग इतना नाराज़ हो जाते हैं कि वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते जो उनको नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे काफ़ी हद तक रियल लगी। इसके अलावा इस मूवी में एक और चीज़ मैंने महसूस की कि जब किसी इंसान को तकलीफ होती तो हमको उसकी तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, लेकिन वो सेम चीज़ अगर हमारे साथ रिपीट हो तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार, जब वो बंदे के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी तो वो उस वक्त क्या फील कर रहा होगा जो हमने नज़रअंदाज कर दी थी। मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ तो हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से लिखा, काफ़ी रियलिटी के करीब लिखा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी की अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो ठीक है, एक माहौल उन्होंने अच्छा क्रिएट किया, लेकिन उसको वो लोग आगे नहीं लेकर जा पाए। और इसके अगर BGM की बात करूँ तो BGM इससे भी अच्छा हो सकता था। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार मनोज वाजपेयी, नीना गुप्ता, साक्षी तन्वर तीनों ने अपने परफॉर्मेंस से इस मूवी में जान रखी है। ऑल द मूवी की कहानी में उतना दम नहीं है, लेकिन फिर भी एज एन एक्टर वो लोग जितना दे सकते थे उन्होंने अपनी मूवी को दिया है। बट स्क्रिप्ट वाइज कहीं ना कहीं ये मूवी डिसअपॉइंट करती है। उसके लिए मूवी का डायरेक्शन अच्छा हो सकता था, राइटिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन कुल भी मच मोर बेटर। एडिटिंग मुझे अच्छी लगी क्योंकि 1 घंटे 44 मिनट की ये मूवी है, उससे छोटी मूवी क्या हो सकती थी यार बॉलीवुड में आज की तारीख। मूवी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है इसका क्लाइमैक्स। अगर आप लोग इस मूवी को क्लाइमैक्स तक देखते हो तो क्लाइमैक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको महसूस होगी और कहीं ना कहीं कुछ वक्त तक ये मूवी आपके दिमाग ठीक होकर रह जाएगी। और अगर आप लोग पेरेंट्स हो तो ये मूवी डेफिनेटली आप लोगों को देखना चाहिए आपके बच्चों के साथ, तो शायद आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। ओवरऑल ये मूवी के लिए इतना ही बोलूंगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के इस मूवी को मत देखना, लेकिन अगर आप लोग एंड तक इस मूवी को देखोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको फीलिंग जरूर आएगी। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। बस इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल देन बाय।